अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, मैं हूँ वॉइस ओवर आर्टिस्ट अलीज़ा कमल और आप देख रहे हैं चैनल नॉवेल्स की दुनिया। आज की इस पहली वीडियो में मैं आपको नावल अब्दुल्ला की पहली किस्त सुनाऊंगी, जिसके मुसन्निफ हाशिम नदीम साहब हैं। तो सबसे पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाले एक साथ आप देख सकें। साहिल की तरफ जाते हुए मरकजी शाहरा, जो आम हालात में किसी जवान बेवा की उजड़ी मांग की तरह बेरंग और सुनसान पड़ी रहती थी, इस वक्त शहर के उम्रा की चंद बिगड़ी हुई औलादों की खरमस्तियों की आमाज का बनी हुई थी। फिजा में स्पोर्ट्स कारों और हेवी बाइक्स की चिंघाटती आवाजों ने एक हलचल और तूफान सा बर्पा किया हुआ था। मामला शहर से वीरान साहिल की पट्टी तक रेस का था और हम में से कोई भी ये रेस हारना नहीं चाहता था। सबसे आगे सूबे के होम सेक्रेटरी के लाडले साहिबजादे वकार यानी विकी की मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार थी। उसके बाद मुल्क के मारूफ सनतकार बख्तियार अहमद की इकलौती औलाद साहिर यानी मेरी मिनी जैगवार थी, और मेरे पीछे सूबाई वजीरे मालियात का बिगड़ा शहजादा काशिफ अपनी दोस्त रिदा के साथ हैवी बाइक पर फराटे भरता, मुख्तलिफ गाड़ियों के दरमियान लहराता और अपना रास्ता बनाते हुए सिर्फ चंद इंच के फासले से मेरी गाड़ी के बम्पर को तकरीबन छूता हुआ चला आ रहा था। बाकी दोस्त उसके जरा फासले पर थे। लोग हमें दूर ही से देखकर सरासीमा होके इधर उधर उछलकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। विकी ने सड़क पार करते हुए एक ठेले को हल्का सा छू लिया। ठेले वाला एक जानिब को कूदा और उसके ठेले से नारियल फिजा में यूं उछले जैसे किसी शरीर बच्चे ने एकदम फिजा में बहुत से खाक से तरी गुब्बारे छोड़ दियो। उनमें से एक नारियल किसी ग्रेनेड की तरह मेरी कार की विंडस्क्रीन से टकराया और शीशे पर अगले ही लम्हे मकड़ी के जाले जैसी रगें उभर आईं। मेरे साथ गाड़ी में बैठी गवर्नर की भतीजी और मेरी बेहतरीन दोस्त एनी जोर से चिल्लाई और उसके मुंह से अंग्रेजी गालियों और मुगल आजाद का एक तूफान विकी की शान में उबल पड़ा। मेरे पीछे आते हुए काशिफ की 150 की स्पीड से दौड़ती हुई बाइक का पहिया नारियल के ऊपर चढ़ गया और बाइक फिजा में यूं उछली जैसे किसी तोप से निकला हुआ गोला। लेकिन काशिफ ने अपने हवास काबू में रखे और बाइक को जमीन पर लगते ही एक जानिब को झुकाकर उलटने से बचा लिया। अलबत्ता उसके पीछे आते हुए दो मोटरसाइकिल सवार खुद को बचा नहीं पाए। सड़क पर दूर तक उनकी बाइक्स की फिसलने की आवाजें और स्क्रैचिंग गूंजती रहीं। शायद रेस में शामिल एक आध कार भी फिसली, लेकिन मैं मुड़कर देख नहीं पाया क्योंकि उस वक्त मेरी सारी तवज्जो आगे सड़क पर दौड़ती विकी की मर्सिडीज पर थी। वो जानता था कि अब साहिली पट्टी सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर रह गई है, लिहाजा वो अपनी गाड़ी को सड़क पर दोनों जानिब लहराते हुए आगे बढ़ रहा था ताकि मेरी गाड़ी को आगे निकलने का कोई रास्ता न मिल सके। काशिफ गाड़ी की खिड़की से हाथ निकाल निकाल कर मुझे इश्तियाल दिलाने के लिए मुख्तलिफ इशारे भी कर रहा था, और इस अमल में उसके साथ वाली सीट पर बैठी उसकी विलायत पलट कजन टीना भी बराबर का साथ दे रही थी, जो एनी को मजीद मुश्तइल करने का बायस बन रहा था। आखिरी 10 किलोमीटर का बोर्ड देखते ही एनी ने मायूसी से सर हिलाया, नहीं साहिर, अब हम नहीं जीत सकते, फासला बहुत कम रह गया है, हम हार गए साहिर, डैम इट यार। मैंने एनी को कोई जवाब नहीं दिया और गियर बदलकर एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। एनी भी जानती थी कि मुझे हार से किस कदर शदीद नफरत थी। मैंने हारना सीखा ही नहीं था। हम जिंदगी में जीतना सीखे या ना सीखे, जीत हमें खुद ही सब सिखा देती है। हाँ, अलबत्ता हार को बाकायदा सीखना पड़ता है, ये हार आपको खुद कुछ नहीं सिखाती। लेकिन मैं खुद फिलहाल इस फन से नाआशना था और कम से कम आज तो मैं किसी सूरत हारना नहीं चाहता था, क्योंकि मुकाबले पर मेरा अजली हरीफ विकी जो था